रेडी स्टार्ट। महोदय, गोंड लोग खेती का काम करते हैं और उन्होंने खेती के काम को भली प्रकार सीख लिया है। बैगा जाति के लोग दूसरे प्रकार से खेती करते हैं। यह एक स्थान से दूसरे स्थानों को जाते रहते हैं। एक खेत में खेती करके उसकी फसल आदि को लेकर फिर उस खेत को जलाकर वे आगे बढ़ जाते हैं। इससे भूमि को बहुत हानि होती है, जंगल को भी हानि होती है। वे जितना परिश्रम करते हैं उसका उनको पूरा फल नहीं मिलता। सरकार ने उन लोगों को यह समझाने बुझाने का निश्चय किया है कि वे कहीं एक स्थान में रहकर खेतीबाड़ी करें तो उनको थोड़ी सी भूमि से ही अधिक अन्न प्राप्त हो सकता है और वे अधिक सुख से रह सकते हैं। आज सारे देश में खेती की उन्नति के लिए जहाँ तहाँ पानी का अभाव है वहाँ अधिक पानी पहुँचाने का प्रबंध किया जा रहा है। लोगों को गड्ढे खोदकर तथा उनमें कूड़ा कचरा आदि डालकर खाद तैयार करना सिखाया जा रहा है, जिससे खेती की उन्नति की जा सके। लोगों को अच्छे बीज देकर अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह सब कुछ आदिवासियों को भी बताया जा रहा है। अभी यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने यहाँ पर 1,000 एकड़ भूमि में उनको बसाने का निश्चय किया है। उनकी हर प्रकार से सहायता की जाएगी। यूँ तो हम लोग खेती करते हैं और अपने तथा अपने बाल बच्चों के लिए अन्न पैदा करते हैं, पर हमारे देश के किसानों के पास बहुत थोड़ी भूमि है और थोड़ी भूमि में अधिक पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए सोचा यह गया है कि यदि कई किसान मिलकर अपनी खेती सामूहिक रूप से एक साथ करें तो उससे उनको अधिक लाभ होगा। मान लो कि एक किसान के पास 2 बैल हैं, परंतु उनके पास भूमि इतनी है कि वह 2 बैलों से नहीं जोती बोई जा सकती। ऐसी स्थिति में उस भूमि में खेती पूरे रूप से नहीं हो सकती, क्योंकि वह 4 बैल रख नहीं सकता और 2 बैलों से उसका काम पूरा नहीं होता। तो यदि 2 किसान परस्पर मिलजुल कर खेती करें तो उन सब की समस्या का समाधान हो जाता है। 2 व्यक्ति मिलजुल कर खेती के आसपास पानी की भी व्यवस्था कर सकते हैं। इस प्रकार यदि कई आदमी मिलकर एक साथ खेती करें तो उनको खेती में व्यय भी कम करना पड़े और आय अधिक हो। इसलिए यहाँ सामूहिक रूप से खेती करने का प्रयास किया जा रहा है और यदि इसमें भली भांति सफल हुए तो इस चीज़ का औरों में भी प्रसार होगा और विशेषकर आदिवासी लोग जो अभी तक इस प्रकार खेती नहीं करते इस चीज़ को अधिक सरलता से सीख लेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। और यदि वे इस पद्धति को अपनाएंगे तो इससे उनको बहुत लाभ होगा। सभापति महोदय, इस समय जबकि हमें अपने नेताओं के अनुभव और बुद्धिमता की आवश्यकता है, यह दुर्भाग्य की बात है कि अपने ज्येष्ठ राजनायकों में से अत्यंत प्रमुख और लगन वाले एक राजनायक को हमने खो दिया है। बड़े दुख के साथ मैंने यह सुना
कि बड़े सवेरे कल श्री अयंगार की मृत्यु हो गई। अपने पूरे जीवन में उन्होंने अनेक उच्च पदों को दुर्लभ योग्यता से सुशोभित किया था। अपने स्वास्थ्य तथा अपने आराम का जिसके कि वह पूरी तरह अधिकारी हो चुके थे, विचार न करके वे अपने जीवन के अंतिम दिनों तक देश और जनता की सेवा में लगे रहे। जब कोई भी कठिन समस्या हमारे सामने आती थी तो सरकार में उनके सहकारी उनकी परिपक्व बुद्धिमत्ता पर निर्भर करते थे। उनकी मृत्यु देश और हम सब के लिए भारी हानि है। जबकि हम नवीन और समृद्ध भारत का निर्माण करने में तथा उन लाखों लोगों को सुख सुविधा पहुंचाने में लगे हुए हैं जिन्हें दरिद्रता के अभिशाप से भूतकाल में काफ़ी पीड़ित रहना पड़ा। संसार की समस्याएं हमारे सामने बलात् आ खड़ी होती है और हम ना तो उनसे बच सकते हैं और ना अपने को उनसे अलग रख सकते हैं। मेरी सरकार की अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं है, किंतु स्वतंत्रता के साथ साथ अनिवार्य रूपेण भारत पर जो जिम्मेदारी आ पड़ी है उसको तो इसे निभाना ही है। जैसा कि सर्वविदित है, हमने संसार के सब देशों के प्रति मैत्री और शांति की नीति बरतने का प्रयास किया है। स्नेह स्नेह वे लोग भी जो इससे सर्वदा सहमत नहीं होते, इसे समझने और इसका आदर करने लगे हैं और यह बात मानी जाने लगी है कि भारत संसार में शांति का समर्थक है और वह ऐसा कोई कदम न उठाएगा जिसका परिणाम लड़ाई की प्रवृत्ति को जगाना हो। इसी नीति के अनुसरणार्थ मेरी सरकार ने कुछ ऐसे प्रस्ताव पेश किए थे जिनसे उसे यह आशा थी कि कोरिया युद्ध के बारे में समझौता हो जाएगा। इन प्रस्तावों को बहुत भारी समर्थन मिला, किंतु दुर्भाग्यवश उन महान देशों में से कुछ इन्हें स्वीकार न कर सके जिनका उनसे निकटतम संबंध था। वह युद्ध जारी है और उससे न केवल कोरिया की जनता को ही कठोर यातना सहन करनी पड़ रही है, वरन अवशिष्ट संसार के लिए भी वह खतरे का निशान है। सुदूर पूर्व पर प्रभाव डालने वाले हाल में किए गए कुछ वक्तव्यों से और उनके परिणाम स्वरूप कोरिया के युद्ध का विस्तार होने से समस्त संसार में बहुत आशंका पैदा हुई है। मेरी सरकार भी इन बातों को गंभीर चिंता से देखती है। मुझे विश्वास है कि युद्ध का जो अपने साथ पहले ही भारी विपत्ति लाया है विस्तार न होने दिया जाएगा तथा राष्ट्र और जातियों के हृदय को इन समस्याओं को शांतिपूर्ण रीति से सुलझाने की ओर मोड़ दिया जाएगा। सभापति महोदय, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरी सरकार प्रयत्नशील रहेगी और किसी भी प्रकार का किसी राष्ट्रपुंज से कोई गठबंधन किए बिना सब देशों के प्रति मैत्री की नीति पर चलती रहेगी। अपने देश में जिन लोकतंत्रात्मक तरीकों से हम आबद्ध हैं उनमें समस्याओं को सुलझाने का शांतिपूर्ण तरीका निहित है। यदि लोकतंत्र को बचाए रखना है तो अंतर्राष्ट्रीय
क्षेत्र में भी शांति का वातावरण और समझौते की प्रवृत्ति अपनाई जानी चाहिए।